गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, होप यू आर ऑल डूइंग फाइन। और आज स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। हमने डायमेंशंस की बात करी थी और डायमेंशंस में मैंने आपको बताया था कि हम इसका यूज़ क्यों करते हैं। आज बात करेंगे कि इसके यूजेस के थ्रू हम लोग क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। तो डायमेंशंस का सबसे पहला जो यूज़ होता है वो होता है आपका यूनिट कन्वर्जन में। ये मैं आपको पिछली क्लास में बता चुकी हूँ और इसी को हम कन्वर्ट कैसे करते हैं आज हम इस चीज़ को देखेंगे। ठीक है, पहला है यूनिट कन्वर्जन, दूसरा है हमारा फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करना, और तीसरा है हमारा डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला कि अगर हमें कोई फॉर्मूला डराइव करना है तो हम किस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, तो आज हमारा जो लेक्चर है वो सबसे पहला आपको बता रही हूँ मैं इसमें कि आप यूनिट कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो कैसे करेंगे यूनिट कन्वर्जन के लिए, सबसे पहले मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ फोर्स के बारे में कि फोर्स की एक यूनिट होती है न्यूटन इन एसआई सिस्टम, और फोर्स की एक यूनिट होती है डाइन इन सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सीजीएस सिस्टम बोलने का मतलब होता है कि आपकी जो लेंथ होगी वो सेंटीमीटर में होगी, मास होगा ग्राम में, और टाइम होगा सेकंड में। ठीक है, तो फोर्स का मैं एग्जांपल लेके आपको ये बता रही हूँ कि किस तरीके से हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, फोर्स की यूनिट है एसआई यूनिट है हमारे पास न्यूटन, और सीजीएस यूनिट है हमारे पास डाइन। ठीक है, तो हमें बताना है कि आपका वन न्यूटन जो होता है वो इक्वल्स टू हाउ मच डाइन। ठीक है, तो अगर हमें यूनिट कन्वर्जन करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखें एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर होगी आपकी, एक न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर होगी लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर। तो जो लेफ्ट हैंड साइड वाली है अगर हम उसको बोलते हैं एन वन, तो राइट हैंड साइड वाली जो है हम उसको बोलेंगे एन टू। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो होगी n2। अब क्योंकि न्यूटन हमें नोन है और डाइन वाली जो वैल्यू है वहाँ पर न्यूमेरिक वैल्यू हमें पता करनी है। ठीक है ना, ये तो हमें पता है कि न्यूटन जो है वो एसआई सिस्टम के अंदर है, ये भी हमें मालूम है कि डाइन जो है वो सीजीएस सिस्टम के अंदर है। तो हमने सिर्फ क्या करना है, लेंथ मास टाइम की जो यूनिट्स हैं वो हमने इसमें पुट कर देनी है और यूनिट्स को कन्वर्ट करना है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड हेंस वी विल गेट द न्यूमेरिकल वैल्यू n2। ठीक है, तो कैसे पता करेंगे कि हमारे पास कुछ m1 होगा, कुछ L1 होगा, कुछ T1 होगा। ठीक है, कुछ M1 होगा, कुछ L1 होगा और कुछ T1 होगा। साइमल्टेनियसली इनकी कुछ पावर होंगी A, B एंड C, जिसको कि हम कन्वर्ट करेंगे M1 सिस्टम से M2, L2 और T2 में, और फाइनली इनकी भी पावर होंगी A, B और C, क्योंकि ये सेम क्वांटिटी के लिए हैं। सेम क्वांटिटी मतलब फोर्स के लिए है, तो ए बी सी जो पावर होने वाली है मास की, लेंथ की, टाइम की, वो भी आपकी अकॉर्डिंगली होंगी, सेम ही होंगी। हेंस एन टू वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा कि एन टू इज इक्वल्स टू एन वन, एम वन अपॉन एम टू टू द पावर ए। ठीक है, मैंने अपॉन में लिखा है बस इसी को, सेम चीज़ है यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली एल वन अपॉन एल टू पावर बी, T1 अपॉन T2 पावर C। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि फोर्स की डायमेंशन क्या होती है। तो पिछले जो चैप्टर हैं जहाँ पर मैंने डायमेंशंस आपकी कैलकुलेट कराई हैं वहाँ पर आप देखिएगा मैंने फोर्स की डायमेंशन लिखी थी, वो डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू। ठीक है, वो होती है एम एल टी माइनस टू, मतलब ए जो पावर है यहाँ पर, एम की पावर है यहाँ पर ए। ठीक है, ए जो पावर है वो है आपकी हियर ए इक्वल्स टू है वन, बी इक्वल्स टू है वन, एंड सी इक्वल्स टू है माइनस टू। अब करना क्या है, सिंपली नॉन चीज़ें ऊपर, नॉन मतलब जो हमें मालूम है वो सारी चीज़ें ऊपर रख देनी है, यानी कि एसआई सिस्टम ऊपर रख देना है, और अननोन जो चीज़ें हैं एम टू एल टू टी टू ये सब चीज़ें हमने रख देनी है नीचे, जो कि है सीजीएस सिस्टम के अंदर। तो नॉन और अननोन अगर हम ऐसे ऊपर रखेंगे तो हमारे पास एन टू की जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी। देखें एन वन है फिलहाल हमारे पास वन, M1 जो मास है क्योंकि वो न्यूटन के अंदर है। ठीक है ना, तो ऑब्वियसली बात है अगर न्यूटन है एसआई सिस्टम के अंदर तो जो मास होता है वो होता है केजीज में। ठीक है,
और जो मास होगा सीजीएस सिस्टम के अंदर जो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो है डाइन में, तो वो होगा ग्राम्स में, पावर है 1, लेंथ जो है हमारी यहाँ पर होगी मीटर और यहाँ है हमारी सेंटीमीटर में, अगेन पावर 1, टाइम जो है वो ऊपर भी आपका सेकेंड्स में है और नीचे भी आपका सेकेंड्स में है, ठीक है, इसकी पावर होगी -2। अब देखें ये किलोग्राम है ये ग्राम है, तो 1 kg = 1000 ग्राम, ग्राम से ग्राम क्या हो जाएगा कैंसिल, सिंपली बचेगा हमारे पास 1000, ठीक है। ऐसे ही देखें मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 meter = 100 centimeter, यहाँ ऊपर आ जाएगा 100 centimeter, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल और हमारे पास यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 100, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, कुछ नहीं आएगा इस केस के लिए। तो हमारे पास यहाँ पर देखें 10 की जो पावर है 1, 2, 3, 4, 5, तो हमारे पास कितनी हो गई है 10^5 power, ठीक है, तो 10^5, तो न्यूमेरिकल वैल्यू एन टू हैंस हमारे पास आ गया 10^5। तो हमारा जो आंसर था कि 1 newton = how much dyne, वो how much dyne की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली, एंड दैट इज 10^5, ठीक है। तो ये है हमारा यूनिट कन्वर्जन, सबसे पहला वाला पार्ट के जो डाइमेंशंस का हम यूज करते हैं वो किस लिए करते हैं, यूनिट्स को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर सिस्टम ऑफ यूनिट। तो आपको सबसे पहले उसको इस फॉर्मेट में लिखना है, फिर इस फॉर्मूले के अंदर नोन वाली चीजें ऊपर, अननोन सारी चीजें नीचे, उनको कन्वर्ट करना है यूनिट्स को लिख करके, और फाइनली आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी एन टू, ठीक है, दिस इज यूनिट कन्वर्जन। ऐसे ही आप लोग, जैसे अगर हमें वेलोसिटी के लिए बोला किलोमीटर पर आर से आपको मीटर पर सेकंड में करना है, तो वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है वो होती है LT-1, तो मतलब m की पावर वहां पर होगी 0, l की पावर होगी 1 और t की पावर होगी -1, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ऊपर जो वैल्यू है वो किलोमीटर, नीचे हो जाएगी मीटर आपकी, और ऊपर जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी आर और नीचे हो जाएगी सेकंड, उसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, तो हमारे पास आपकी जो वेलोसिटी है वो किलोमीटर पर आर से मीटर पर सेकंड में चेंज होने का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो हमने सिर्फ ध्यान रखना है डायमेंशन क्या होगी क्वांटिटी की, इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, एंड हैंस वी विल गेट द न्यूमेरिकल वैल्यू एन टू। होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर टू यू, ठीक है। इससे बढ़ते हैं अब हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, सेकेंड वाला पार्ट है हमारा कि हमने क्या करना है, फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करना है, टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करने के लिए सबसे पहली चीज कि हमें क्या ध्यान रखना है, कि जैसे कि मैंने आपको सबसे पहली क्लास में भी कहा था कि लाइक क्वांटिटीज आर एडेड एंड लाइक क्वांटिटीज आर सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम ईच अदर, कि लाइक क्वांटिटीज को ही हम ऐड कर सकते हैं और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। कैसे, कि अगर हम सबसे पहले इक्वेशन लिखते हैं, मैं आपको सारे के सारे जो क्वेश्चन बता रही हूँ वो सारे प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ चुके हैं, वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। तो पहली इक्वेशन है v = u + at, यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म वेलोसिटी को डिनोट करता है, सेकेंड टर्म भी वेलोसिटी को डिनोट करता है, और थर्ड टर्म, क्योंकि वेलोसिटी जो आपका एक्सेलरेशन होता है वो होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी यहां से बन गया आपका एक्सेलरेशन इनटू टाइम, तो एक्चुअली में एक्सेलरेशन इनटू टाइम भी रिप्रेजेंट कर रहा है वेलोसिटी, तो ये टर्म भी वेलोसिटी, ये टर्म भी वेलोसिटी, और ये टर्म भी आपकी वेलोसिटी को डिनोट कर रहा है। तो सेम क्वांटिटीज वेलोसिटी वेलोसिटी को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, वेलोसिटी। तो यहां पर जब हमें फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करना है तो वहां पर क्या ध्यान रखना है कि आपके पास तीन तरीके के क्वेश्चन होंगे, पहला या इस तरीके के प्लस वाले फॉर्मेट में, दूसरा हो सकता है प्लस में ना हो आपके पास कोई भी जो फॉर्मूला है वो इस तरीके से माइनस वाले फॉर्मेट में हो, और तीसरा कि आपके पास डायरेक्ट हो फॉर्मूला, ठीक है, f = ma बिना प्लस और माइनस साइन के साथ। तो अगर इस तरीके से आपके पास फॉर्मूले हैं तो कैसे करेंगे, सबसे पहली चीज कि अगर प्लस और माइनस फॉर्मेट में है तो आपको ध्यान रखना है कि आपको लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर जितनी भी वैल्यूज हैं उनको इंडिविजुअली राइट हैंड साइड की वैल्यूज के साथ कंपेयर कराना है, मतलब पहले v को हम लोग कंपेयर कराएंगे u के साथ, फिर हम लोग v को कंपेयर कराएंगे at के साथ, अगर दोनों की डायमेंशन सेम आती है तभी ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज करेक्ट नहीं होगा। एंड सेम फॉर द केस ऑफ माइनस ऑल्सो, कि हम s की डायमेंशन को चेक करेंगे कि वो ut के इक्वल है या नहीं, सिमिलर फैशन में s की डायमेंशन को हम चेक करेंगे कि वो हाफ at स्क्वायर के इक्वल है या नहीं, अगर ऐसा है दोनों चीजें दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तब भी ये फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज नहीं। ये वाला तो सिंपल है, LHS में f है, RHS में ma है, दोनों को हमने क्रॉस चेक करना है, अगर डायमेंशन LHS की RHS के बराबर है तो फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें मैं सबसे पहला पार्ट आपको करके दिखा देती हूँ, s = ut - ½ at², ठीक है, कैसे होगा इसमें ये मैं आपको बता रही हूँ इसमें कैसे होगा, ठीक है।
सबसे पहले मैंने फॉर्मूला लिखा इसमें, सपोज हम इसी से शुरू करते हैं कि वी इजिकल टू यू प्लस ए टी। तो सबसे पहले LHS में हम लोग लेंगे V की डायमेंशन, क्योंकि V वेलोसिटी है तो इसकी डायमेंशन होती है LT माइनस वन। आप चाहें तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करके भी कर सकते हैं, लेकिन छोटी जो वैल्यूज़ हैं आपकी, जैसे कि वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, वर्क है, एनर्जी है, ये सारी आप डायमेंशन याद भी कर सकते हैं। अगर याद करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा वेलोसिटी। ऐसे ही सिमिलर फैशन में हम लोग RHS के लिए करेंगे। RHS के लिए भी U की डायमेंशन देखेंगे, क्योंकि वेलोसिटी ही है, अब वो इनिशियल है या फाइनल है, सेम थिंग है ना। एक्सेलरेशन इनटू टाइम, AT की फिर हम लोग देखेंगे। AT एक्सेलरेशन की होती है LT माइनस टू, और एक टाइम फिर से हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है, तो डायमेंशन अगेन हो जाएगी LT माइनस वन। अब इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे कि V की डायमेंशन एज डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ U, ठीक है, और दोनों ही है कितनी, क्योंकि LT माइनस वन। ऑल्सो डायमेंशन ऑफ V एंड डायमेंशन ऑफ AT इज इक्वल्स टू अगेन LT माइनस वन। तो हैंस वी विल से कि आपका जो फॉर्मूला है वो डायमेंशनली करेक्ट है, और LHS इक्वल्स टू है RHS, हैंस प्रूव्ड कि ये जो हमारा फॉर्मूला है ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, लेकिन इन फॉर्मूले को कैलकुलेट करते हुए हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो भी इसमें कॉन्स्टेंट टर्म्स अगर आ जाती हैं, बाई चांस फॉर्मूला ये भी करेक्ट होगा, और अगर फॉर्मूला है V इज इक्वल्स टू यू प्लस टू ए एस, ये भी फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि आपका जो डायमेंशन होता है वो कॉन्स्टेंट्स को कंसिडर नहीं करता है। ठीक है ना, तो कहीं पर भी अगर आपके कॉन्स्टेंट्स हैं, वन टू थ्री फोर, पाई है, कॉस थीटा, साइन थीटा है, तो वो कॉन्स्टेंट्स को कंसिडर ना करने की वजह से आपकी जो डायमेंशन है वो इसकी भी सही होगी और इसकी भी सही होगी। कभी भी डायमेंशन आपको ये नहीं बताएगा कि आपके न्यूमेरिकल के अंदर या जो भी आपने फॉर्मूला लिखा है उसके अंदर वो कॉन्स्टेंट क्या इंक्लूड होने वाला है। ठीक है, ये सिर्फ आपको डिपेंडेंसी बताता है, मतलब ये सिर्फ बताएगा कि V U पर डिपेंडेंट है, V AT पर डिपेंडेंट है, लेकिन वो AT की हाफ वैल्यू पर डिपेंडेंट है, ट्वाइस वैल्यू पर डिपेंडेंट है, या सिर्फ वन वैल्यू पर डिपेंडेंट है, ये वो आपको नहीं बताता है। यही एक सबसे बड़ा यहां पर इसका एक ड्रॉबैक हो जाता है। ठीक है, कि आपको कभी भी डायमेंशन ये नहीं बता पाता कि वो कितनी वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होगा, मतलब हाफ, फुल, स्क्वायर, क्यूब, ये सब आपको वो नहीं बताएगा। ऑल्सो एट द सेम टाइम आपको वो ये भी नहीं बताएगा कि यहां जो बीच में मिडल साइन है वो प्लस होगा या वो माइनस होगा। तो आपको डायमेंशन सिर्फ इतना बताएगा कि इसकी डायमेंशन इसके इक्वल है या नहीं, इसकी डायमेंशन इसके इक्वल है या नहीं। वो कभी भी आपको ना तो कॉन्स्टेंट्स बताएगा, ना इक्वेशन के अंदर प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये आपको बताएगा। ठीक है, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन। ठीक, थर्ड वाला पार्ट हम लोग अब करते हैं कि जब हम लोग बात करते हैं कि हमने क्या करना है, अब किसी भी एक फॉर्मूले को डराइव करना है। ठीक है, तो अब डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला, अब अगर हम करेंगे डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला। ठीक है, तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला के लिए हमें ध्यान रखना है कि डेरिवेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे। सपोज मैं ऐसी एक फॉर्मूला लिख देती हूँ कि हमें पता करना है टाइम जो है वो आपका किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो टाइम किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है। सपोज हमने ऐसे ही बोल दिया कि टाइम इज डिपेंडेंट ऑन मास, टाइम इज डिपेंडेंट ऑन लेंथ, एंड टाइम इज डिपेंडेंट ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जिन क्वेश्चन के अंदर जिन भी चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंसी बोली हुई है, हम उन सारी चीज़ों को एक जगह लिख लेंगे और हम उनको एजम्पशन करेंगे कि वो टाइम जो वैल्यू है वो m की a पावर पर डिपेंडेंट है, l की b पावर पर डिपेंडेंट है, और g की c पावर पर डिपेंडेंट है। अब हम क्या करेंगे, इंडिविजुअली इन सभी की डायमेंशंस को लिखेंगे और पावर का हम करेंगे एक साथ इनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन। कैसे करेंगे देखते हैं आप इनको। LHS में क्योंकि आपके पास टाइम क्वांटिटी है तो हम लोग क्या लिखेंगे, टाइम की डायमेंशन। तो टाइम की डायमेंशन सिंपली होगी T। ठीक है, क्या इसको एग्जैक्ट फॉर्म में लिखना है, क्योंकि हम MLT फॉर्मेट यूज़ करते हैं, तो M0, L0 एंड T0। होपफुली दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। ठीक है ना, तो हम इसको T लिखें या हम इसको M0, L0, T1 लिखें, सॉरी ये होगा T1। ठीक है ना, M0, L0, T1 लिखें। ठीक है ना, वो एक ही बात है। ठीक है, सिमिलर RHS के साइड पर क्योंकि हमारे पास है एक तो मास टर्म है, मास की डायमेंशन तो m ही होती है। ठीक है, लेंथ
क्योंकि वो लेंथ को ही रिप्रेजेंट करता है तो एल ही होगी। लेकिन जो दूसरी टर्म है वो है हमारे पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या सिंपली एक्सेलरेशन। तो इसकी जो डायमेंशन है क्योंकि वो होती है एल टी माइनस टू तो हम इसको कंसिडर करेंगे। अब करेंगे क्या हम लोग, मैं यहीं पर आपको बता रही हूँ, करेंगे क्या हम लोग, ये जितने भी हमने लिखी है यहाँ पर एम एल जी हम इसको इसी फॉर्मेट में लिख लेंगे, ठीक है ना। कि मतलब एम की डायमेंशन ये पावर होगी ए, एल की डायमेंशन है ये पावर होगी ये, जी की डायमेंशन है ये पावर होगी ये, ठीक है। तो जब हम ऐसा करेंगे तो क्या आएगा, ठीक है, ये है आर एच एस वाली साइड हमारी। तो आर एच एस वाली साइड के लिए एम टू दी पार ए, सॉरी एम टू दी पार ए, L टू दी पार B एंड G टू दी पार C, क्योंकि M की डायमेंशन M ये है, L की डायमेंशन है B और G की डायमेंशन है एल टी माइनस टू और वो है C, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी M, L और T टर्म्स आई हैं और जितनी बार भी रिपीट हुई हैं उनको पावर टर्म के साथ कंबाइन करके लिख लेंगे। कैसे लिख लेंगे, M तो सिर्फ एक बार आया है तो सिंपली होगा M टू दी पार A, L क्योंकि L की पावर B भी है और L की पावर C भी है तो मल्टीप्लिकेशन में क्योंकि पावर ऐड होती हैं तो L की टोटल पावर हो जाएगी B प्लस C। सिमिलर फैशन में T की पावर हो जाएगी माइनस टू सी, ठीक। तो ये बना हमारा आर एच एस, एल एच एस ये है हमारे पास, आर एच एस ये है हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर एल एच एस पर भी और आर एच एस पर भी जो एम एल और टी की पावर है उनको हम क्या करेंगे, कंपेयर, ठीक है ना। तो कंपेयर करेंगे जब हम इनकी पावर्स को तो क्या आएगा, कंपेयरिंग एम एल टी पावर्स ऑन बोथ साइड, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ठीक। अब दोनों साइड पर अगर एम एल टी की पावर्स को हम कंपेयर करेंगे तो देखें एम की पावर है ए, ए को इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर एम की पावर है जीरो तो ए आ जाएगा जीरो। सिमिलर फैशन में बी प्लस सी, एल की पावर भी है जीरो तो ये भी आ जाएगा जीरो। यहाँ पर देखें टी की पावर जो है वो है माइनस टी सी और यहाँ पर है वन तो ये आ जाएगा ये, एंड हेंस वी विल गेट द वैल्यू फॉर सी दैट विल बी माइनस वन बाय टू। सिमिलर फैशन में क्योंकि b प्लस सी इक्वल्स टू जीरो है तो b की वैल्यू हो जाएगी माइनस सी एंड हैंस इट विल कम आउट टू बी हाफ, क्योंकि माइनस हाफ है तो ये प्लस हाफ हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, a b c की जो वैल्यूज़ है वो इस फॉर्मूले के अंदर हम लोग पुट कर देंगे, ठीक है। फाइनली जब हम लोग फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा कि t की जो डिपेंडेंसी है m की जीरो पावर पर है, L की हाफ पावर पर है और G की माइनस हाफ पावर पर है। तो हम इसको ये लिखें, ठीक है, हम इसको ये लिखें, हम इसको ये लिखें या फिर हम इसको लिखें ऐसे कि T जो है आपका, T जो है आपका प्रोपोर्शनल है अंडर रूट L बाय G के, ठीक है। ये हमारा आ जाएगा आंसर कि जो आपका टाइम होता है वो एम के ऊपर डिपेंडेंट ना हो करके सिर्फ एल और जी दो ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट होता है, ठीक है, जिसमें एल स्टैंड्स फॉर लेंथ एंड जी स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। तो इसके साथ हमारे तीनों पार्ट होते हैं कंप्लीट, जिसमें हमने बात करी कि किसी भी चीज़ की अगर हम डायमेंशन को कैलकुलेट कर रहे हैं तो डायमेंशन को कैलकुलेट करने का हमें क्या क्या फ़ायदा होगा। पहला फ़ायदा क्या होगा, यूनिट कन्वर्जन। फायदा क्या होगा कि हमें फॉर्मूला पता चल जाएगा कि वो सही है या गलत है। तीसरा फायदा कि हमें ये पता चल जाएगा कि हमें अगर कोई भी फॉर्मूला डराइव करना है तो उसकी डिपेंडेंसी किन किन टर्म्स के ऊपर होगी। अब बात करते हैं कि डायमेंशन की लिमिटेशन क्या है, अगर ये इतना अच्छा है तो इसके अंदर ऐसी क्या कमी है, ठीक है। तो लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन जब हम लोग बात करते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें आएंगी, लिमिटेशन ऑफ डायमेंशंस क्या क्या आ जाएंगी। सबसे पहली कि इसके अंदर एक तो हम कांस्टेंट टर्म्स जो हैं हमारी, जिसमें कि 1, 2, 3, 4 भी हो सकती हैं, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी वो हो सकता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपका डायमेंशन कंसिडर नहीं करता है, ठीक है। तो डायमेंशन का ये ड्रॉबैक आ जाता है कि आपको वो ये सब नहीं बताएगा। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी वाले फार्मूले से, कि ये डायमेंशन ये तो बता देगा कि वी की जो डिपेंडेंसी है वो U पर है, वो ये भी बता देगा कि V की जो डिपेंडेंसी है वो AT पर है, लेकिन U के अंदर वो AT टर्म प्लस होगी या माइनस होगी वो ये चीज डायमेंशन के अंदर हम फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, एंड हेंस दिस बिकम्स अ लिमिटेशन ऑफ डायमेंशन,
ठीक है। सिमिलर फैशन में तीसरा पॉइंट हमारा कि डायमेंशन हमने कैलकुलेट कर ली हैं, लेकिन अब अगर हम बात करते हैं फॉर्मूले को डराइव करने की, तो हम सिर्फ क्वांटिटी का, उन्हीं क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला डराइव कर सकते हैं जो मैक्सिमम तीन क्वांटिटीज़ के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर हम यहाँ एक और, जैसे हमने कहा फॉर्मूला डराइव करते हुए अभी कि m की a पावर, l की b पावर, g की c पावर, सपोजिटली से कि यहाँ पर फोर्थ टर्म भी अगर उसकी d पावर हो जाए, तो हम इसकी डायमेंशन को कैलकुलेट नहीं कर सकते। मतलब एट द मोस्ट ये सिर्फ ऐसी क्वांटिटी की डायमेंशन को कैलकुलेट करेगा जो तीन आपके वेरिएबल्स पर डिपेंड, तीन से ज्यादा अगर वेरिएबल हो जाएंगे तो डायमेंशन वहां पर काम नहीं करता है। तो ये भी इसका एक सबसे बड़ा आपका कहना चाहिए लिमिटेशन है डायमेंशन का, जिसकी वजह से इसका जो यूज है वो लिमिट आउट हो जाता है। ठीक है, तो हमारे 11th और 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले पार्ट हैं जो हमारे इंपॉर्टेंट है, जो हमें बताते हैं कि हमारी जो डायमेंशन है वो ना तो कॉन्स्टेंट को कंसिडर करेगी, ना इक्वेशन के अंदर प्लस माइनस साइन को कंसिडर करेगी, और ना ही हमें तीन से ज्यादा अगर वेरिएबल हो गए उनके लिए ये हमें फॉर्मूला कैलकुलेट करके बता सकती है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन जिनका हमें पता होना चाहिए कि डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो यहां पर एक क्वेश्चन मैं लिख रही हूं कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर वी माइनस एन बी इक्वल्स टू आर टी। ठीक है, अगर ये हमारे पास रिलेशन है और हमें पता करना है कि यहाँ पर ए और बी जो एक कांस्टेंट, इनकी डायमेंशन क्या होगी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इसका आंसर क्या होगा। सबसे पहला, क्योंकि पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर है, और याद करें मैंने आपको अभी बोला था कि वी इक्वल्स टू है क्योंकि हमारे पास यू प्लस ए थी, तो वी की डायमेंशन यू के बराबर भी होगी और वी की डायमेंशन ए के बराबर भी होगी। या दूसरे टर्म्स में मैं अगर बोलूँ आपसे, यू की डायमेंशन होगी ए टी के बराबर। ठीक है, और ए टी के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी टर्म्स अगर प्लस और माइनस के अंदर है तो उनकी डायमेंशन आपस में भी सेम होंगी। तो पी की डायमेंशन बराबर होगी ए बाय वी स्क्वायर के, और वी की डायमेंशन बराबर होगी एन बी के, क्योंकि एन नंबर ऑफ मोल्स है, 1, 2, 3, 4 है, तो इसको हम अकाउंट में नहीं लेंगे। वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, तो बी की डायमेंशन जो है वो सेम होगी जो वॉल्यूम की होती है, और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो इसकी डायमेंशन होगी एल थ्री। सिमिलर फैशन में ए की जो डायमेंशन होगी वो हो जाएगी पी स्टैंड्स फॉर प्रेशर, वी स्टैंड्स फॉर वॉल्यूम, तो पी वी स्क्वायर, तो प्रेशर क्योंकि वो होता है फोर्स अपॉन एरिया, और ये है वॉल्यूम का स्क्वायर। ठीक है, इन सबको अकाउंट में लेंगे तो वो डायमेंशन आ जाएगी आपकी ए की। ठीक, तो समराइज करती हूँ मैं अपने इस पूरे के पूरे डायमेंशन वाले पार्ट को। ठीक है, तो इसमें हमने सबसे पहले बात करी किस चीज़ की, कि डायमेंशन का यूज़ हम लोग क्या करते हैं। सबसे पहला है यूनिट कन्वर्जन में करेक्टनेस फॉर्मूले की चेक करने की और डेरिवेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा जो यूज़ है यूनिट कन्वर्जन, मैंने आपको बताया इसमें फोर्स को कैलकुलेट करना बताया कि 1 न्यूटन को डाइन में कैसे चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे कि जो नोन फैक्टर होगा ऊपर उसे ऊपर लिखेंगे, अननोन फैक्टर को नीचे लिखेंगे, एंड हेंस वी विल गेट द वैल्यू n2 दैट इज 10^5। नाउ नेक्स्ट हमने पता किया कि अगर फॉर्मूले की करेक्टनेस को चेक करना है तो उसमें तीन तरीके हो सकते हैं, या तो फॉर्मूला प्लस और माइनस के फॉर्म में हो, या तो डायरेक्ट रिलेशन हो। अगर डायरेक्ट है तो कुछ नहीं करना है, LHS को RHS के डायमेंशन के इक्वल रखना है, जैसे कि मैंने इसमें एक एग्जांपल लेके भी आपको बताया ये। ठीक है, V की डायमेंशन इंडिविजुअली U के बराबर भी होनी चाहिए और V की डायमेंशन इंडिविजुअली AT के बराबर भी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो ही आपका फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट होगा, अदरवाइज फॉर्मूला डायमेंशनली करेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें हमने पढ़ा डेरिवेशन ऑफ अ फॉर्मूला, बताया इसमें मैंने आपको कि जो भी क्वांटिटी हमें फाइंड आउट करनी है, जिसका फॉर्मूला हमने फाइंड आउट करना है, उसकी डिपेंडेंसी लेंगे, किस किस पर डिपेंडेंसी है उनकी पावर को ABC हम लोग एज्यूम कर लेंगे, एंड हैंस वी विल कंपेयर देयर पावर्स, MLT की पावर को कंपेयर करेंगे, ABC कैलकुलेट करेंगे और उसको फॉर्मूले में पुट आउट कर देंगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा कि क्या इसकी लिमिटेशन है, तो हम कांस्टेंट को कंसिडर नहीं करते, प्लस माइनस को हम लोग इसमें कंसिडर नहीं करते हैं, और तीन से अगर ज़्यादा फैक्टर पर कोई क्वांटिटी डिपेंडेंट है तो हम उसका भी इसमें फॉर्मूला डराइव नहीं कर सकते हैं। एंड लास्टली मैंने आपको बोला ये क्वेश्चन बहुत पेट है एग्जामिनेशन का, इसमें हमसे पूछा जाता है ए और बी वेरिएबल की डायमेंशन क्या होंगी, तो यहाँ पर बी की डायमेंशन सेम होगी जो वॉल्यूम की होती है, और ए की डायमेंशन सेम होगी जो प्रेशर इंटू वॉल्यूम के स्क्वायर की होगी। ठीक है, मैं कैलकुलेट भी कर देती हूँ उसको। फोर्स की डायमेंशन होती है L3-2, एरिया की हो जाएगी L2, और जो वॉल्यूम है क्योंकि वो L3 होता है, और पावर कितनी है क्योंकि 2 इसकी, तो पावर हो जाएगी इसकी L6। तो आप देखें यहाँ पे, सॉरी टोटल मैं पावर लिख देती हूँ यहाँ पे, L की पावर हो जाएगी यहाँ पे 6। तो आप देखें यहाँ पे A क्या लिए है 6 और ये हो गया 7, 7 में से गया 2, तो ये बचा आपका 5, तो ML की पावर 5 और T-2, दिस विल बी द डायमेंशन फॉर योर ए पार्ट। ठीक है,
उसी के साथ हमारा लेक्चर खत्म होता है. दिस इज ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ नाइस डे. और इस लेक्चर को आप रिवाइज कीजिएगा एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.